सामने का व्यू चेक करो, सैडलिंग का मजा। बाइक ली है, कुछ तो एडवेंचर करेंगे ना। ZX10R हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 और मैं तैयार हूँ। आज हम जा रहे हैं राइड पे, तो अभी निकलते हैं। रास्ते में बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। चलो, बाइक को मैंने किया है कोल्ड स्टार्ट, अब निकलते हैं क्योंकि जिस राइडर से मैंने मिलना है वो भी बस पहुँचने वाले हैं, तो लेट नहीं करते, निकलते हैं। पहले ही हम 5-7 मिनट लेट हैं। चलो, बाबा जी को प्रे करते हैं, अच्छे से जाएं, अच्छे से आए। चलो, वाहेगुरु। भाई इस टाइम सड़क पे इक्का दुक्का बंदा नज़र आ रहा है, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा पड़ा है। कहीं कहीं पे लाइट है। आज सूर्य देवता से पहले हम बाहर आ गए हैं। अभी मैंने जिन राइडर से मिलना है वो है जनकपुरी से, तो हमारा मीटिंग पॉइंट है किरबी पैलेस बस स्टॉप। चलो चलो चलो, तो हम उधर से धौला कुआं होते हुए गुड़गांव जाएंगे, मानेसर, मानेसर से फिर आगे पंचगांव, देन एक और जगह उन्होंने बताई थी वो मेरे को याद नहीं है, वहाँ से हमने लेना यू टर्न, ब्रेकफास्ट करेंगे और वापस। वो मैं आपको वहीं बताऊंगा कि कहाँ तक गए थे हम। और लास्ट राइड हम मैंने जो करी थी अकेले, वो 6:30-7 में निकला था, वो मेरा सबसे अर्ली था। लेकिन आज वाला तो और ज़्यादा, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दी है। पर मेरे साथ ऐसे होता है कि सुबह जल्दी कहीं जाना हो, रात को मेरे को नींद ही नहीं आती, और वही प्रॉब्लम हुई, पूरी रात सोया नहीं, अब मेरा सिर दर्द हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ भी होता हो तो बताना कि सुबह कहीं जाना हो तो रात को नींद नहीं आती। भाई मैं तो पहुंच गया हूँ, अब भाई की वेट करनी पड़ेगी। वेट करते आने वाला ही होगा, वो भी 2-4 मिनट में आ ही जाएगा। मैं भाई की वेट कर रहा हूँ, एक बार ही भाई आ जाए तो हम यहाँ से निकलते हैं फिर, और ब्लॉग में बने रहो, साथ सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे अपना दोस्त मिल गया, जैसे कैमरा ऑन किया डरने लग गया। तो अपने सिद्धार्थ भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं। हेलो भाई। हेलो। तो इन्हीं के साथ आज मैं राइड पे जा रहा हूँ, और ये एक्सपीरियंस भी थे तो मैंने कहा इन्हीं के साथ एक राइड प्लान करते हैं, और आज फाइनली हम राइड पे जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे चल के बताते हैं। तो जी हम तैयार हैं, टर्बिनेटर साइकिलिंग ग्रुप जा रहा है, मैंने देखा है अभी ये हमारे आगे आगे चल रहे हैं। तो मैंने सिद्धार्थ भाई को बोला है कि आप लीड करो, क्योंकि रास्ता इनको पता है। और बिल्कुल स्लो स्लो जाएंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, सेफली ये जा रहे हैं साइक्लिस्ट। भाई नहीं हिमालय ना जो पलकी है ना आगे से, यार आगे से एकदम इतनी चौड़ी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। ये लो हमें मिल गई है रेड लाइट। भाई थोड़ा थोड़ा दिन होना शुरू हो गया है,
और भाई कर रहे हैं लीड, हम धौला कुआं पहुंचने वाले हैं। भाई मेरे को कह रहे थे लीड कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, रास्ता आपको पता है तो आप ही लीड करो। तो भाई को लीड करने देते हैं और हम धौला कुआं पहुंच गए हैं। अब यहाँ से यू टर्न लेके हम जाएंगे गुड़गांव साइड। भाई हम चढ़ चुके हैं हाईवे पे, पीछे भी मैंने देखी रेड कलर की डुकाटी पैनिकाले, बहुत ही बढ़िया चमक रही थी, एकदम लिश के मार रही। हम स्पीड में निकल गए, आपको दिखा नहीं पाया। भाई ये जो साइड मिरर्स है ना, बहुत काम की चीज़ है, इसी में पता लगता है कौन स्पीड से पीछे से तो नहीं कुछ आ रहा, तो इसके थ्रू हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कई बाइकर्स और स्कूटी पे मैंने देखा है कि मिरर्स होते ही नहीं है। भाई ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी के लिए लगा लिया करो। हम लास्ट टाइम आए थे यहाँ फाउंटेन चल रहे थे, याद है, आज बंद है। भाई एयरपोर्ट रह गया है 6 किलोमीटर्स। और मैं एकदम भाई के पीछे चल रहा हूँ। भाई ने मेरे को सिग्नल्स भी बता दिए हैं कि अगर आपको रुकना है, कुछ करना है, तो क्या क्या सिग्नल्स यूज़ होते हैं अपने हाथों से। देखो इसको कितनी जल्दी है कैब वाले को। जयपुर 292 मुंबई एक्सप्रेसवे 37 किलोमीटर्स, जयपुर 292 किलोमीटर्स। नज़ारे आ रहे हैं, नज़ारे। भाई मैंने देखा है जो बाइकर्स कम्युनिटी है ना, वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। मैंने एक रील भी डाली थी लास्ट टाइम मैं जब गुड़गांव आया था, तो वो रील अगर आपने नहीं देखी इंस्टाग्राम पे तो वो देख लेना। मतलब इतने बाइकर्स हैं और अपनी बाइक को इतना रेडी रखते हैं, किसी ने मॉडिफाई करवाई हुई है, किसी ने ऊपर कुछ ग्राफिक्स चढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छी लगती हैं बाइक्स। भाई राइट साइड पर सारा एयरपोर्ट है और टर्मिनल 3 आ गए है। और बस थोड़ा सा आगे जाएंगे, मिनी थाईलैंड आने वाला हमारा। ये आ गया हमारा मिनी थाईलैंड। कलर्स, लाइटों के कलर चेक करो, होटल चेक करो। ये हमने यहाँ पे 2 मिनट का लिया था ब्रेक, अब हम निकलते हैं। मैं तो एग्जॉस्ट देख रहा हूँ, बाइक्स के एग्जॉस्ट तो छोड़ो, गाड़ियाँ भी जा रही हैं पूरी की पूरी रैप और तगड़े एग्जॉस्ट। अभी हम आपस में बात कर रहे थे खड़े होके, कैमरा बंद था, 2 गाड़ियाँ निकली, एक पोलो और एक बलिनो। मैं कह रहा हूँ जो उनके एग्जॉस्ट, मज़ा आ गया। देखो पीछे आपको दिखाया था साइकिलिस्ट थे, अब ऐसे भी लोग हैं जो रनिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। सबका अपना अपना क्रेज़ है, शौक़ है। साइकिल वाले साइकिल चला रहे हैं, बाइक वाले बाइक चला रहे हैं। यार मेरे से गलती हो गई, अभी पीछे इतने सारे बाइकर्स थे, मेरे कैमरा ही बंद हो गया, बट एनी हाउ। भाई ये बिल्डिंग्स देखो कितनी प्यारी लग रही है। हम एम्बियंस मॉल पहुंच गए, वो सामने उस पर लाइट देखो, DLF की बिल्डिंग है, सामने फ्लैग लगा है
और बिल्डिंग पे लाइट्स देखो। ओ लिंक्डइन का ऑफिस, चेक दिस आउट। मेरा पहले कैमरा ऑन था, बट जब मैंने बाइक दिखानी थी तो वो मैंने गलती से, मेरे को लगा कि कैमरा ऑफ है और वो मैंने सच में ऑफ कर दिया, जबकि वो ऑन था। हो जाता है, कोई बात नहीं, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां चलती हैं। भाई यहाँ मेरा पहले डेली का आने जाना था, कि यहाँ आगे मेरा था ऑफिस, दिखाता हूँ अभी आपको। पहले राइट साइड पे था गूगल, जिसने देखा होगा गूगल के बिल्कुल बैक साइड पे था, और फिर थोड़े टाइम बाद सामने शिफ्ट हो गया था लेफ्ट साइड पे, वो भी दिखाता हूँ आपको, आ रहा होगा। ये देखो वर्ल्ड टेक पार्क, ये वाली बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था, देख रहे हो गए 4-5 साल। और इससे पहले ऑफिस बिल्कुल ऑपोजिट साइड था, वहाँ पे ट्रक आ गया, नहीं तो आपको दिखाता, अभी इसको क्रॉस करता हूँ। वो है गूगल की बिल्डिंग, उसके पीछे माइलस्टोन जहाँ पे लिखा, उसके पीछे मेरा ऑफिस था। तो हम पहुँचने वाले हैं, अच्छा नीचे चले जाते हैं तो सोना, सुभाष चौक और मुंबई के लिए रास्ता, जो मेरे को लग रहा है जो एक्सप्रेस वे है वो होगा। वो हमने जाना है मानेसर। बढ़िया मज़े आ रहे हैं और मौसम भी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बस बारिश नहीं आनी चाहिए जब तक हम घर नहीं पहुँचते। गूगल पे हमने देखा था आज, वैसे बारिश है नहीं, कल से बारिश है, मतलब मंडे से पूरा वीक बारिश लिखी हुई है। आज हम बढ़िया घर पहुँच जाए बिना बारिश के तो मज़ा आ जाए, बहुत ही बढ़िया। येलो कलर की बाइक थी, ना मैं देखा नहीं और ना मेरे को पता लगी कौन सी बाइक थी। भाई अपना पायथन फर्स्ट टाइम टोल क्रॉस करेगा, टोल पे आ गए, चलो हम बाइकर्स हैं, हमें तो टोल देना नहीं है, हम साइड से निकल जाएंगे। ओके फिर मिलेंगे। बढ़िया टोल को बाय बाय करते हुए, ने अभी इशारा दिया कि स्लो डाउन, क्योंकि वहाँ से गायें आ रही थी, एक और क्रॉस कर रही थी, कि मैं पीछे हूँ, मेरे को चीज़ बाद में पता लगती है, भाई को पहले पता लगती है, तो भाई इसलिए इशारा कर देते हैं कि भाई स्लो कर लो स्पीड। बढ़िया, ये फ़ायदा होता है एक्सपीरियंस बंदे के साथ राइड करने का, क्योंकि मेरे को कोई साइंस नहीं पता थे, क्या किस चीज़ के लिए क्या साइन करते हैं कुछ नहीं पता था। इनके साथ रह के पता लग रहा है क्या स्लो करनी है, क्या कहाँ पे तेज़ करनी है और कहाँ रोकनी है। भाई साहब सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मेरे को नहीं पता कौन सी जगह है, लेकिन सामने पहाड़ है देखो, और ऐसे लग रहा है हम कहीं बस पहुँच ही गए मनाली में पहाड़ों में। दोबारा से एक और स्टॉप लिया है हम लोगों ने, इस हाईवे पर ट्रैफिक तो बहुत है। हम भाई लगा रहे हैं मैप, इसमें देखो एक और फंक्शन है, भाई ने कनेक्ट किया ब्लूटूथ से और मैप इसी में चल रहा है स्पीडोमीटर में, फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें फ़ोन लगाओ फिर मैप देखो। गाँव से आए हैं, अब पंच गाँव की तरफ जा रहे हैं, हम पंच गाँव पे ही हम यू टर्न ले लेंगे दिल्ली के लिए, और रास्ते में ही हम ब्रेकफास्ट करेंगे पंच गाँव ही करेंगे, या पंच गाँव से यू टर्न लेने के बाद हाईवे पे हमारे को जो भी
रेस्टोरेंट मिलेगा, ढाबा मिलेगा, हम बैठ के वहाँ पे चाय और बस ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे और आपको भी करवाएंगे। हम भाई की बाइक पे बैठे हैं, भाई हमारी बाइक पे बैठा है यार। ये मेरे को स्पीडोमीटर ना बहुत बढ़िया लगा है। अभी देखो भाई ने जनवरी में लिए और भाई की बाइक चली है 2844 किलोमीटर्स। और ये मैप मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैप बाइक में ही चल रहा है। और 1.5 किलोमीटर में अपनी मंजिल आने वाली है, वहाँ से हमने लेना यू टर्न। काफ़ी सारे बाइकर्स निकले हैं सुपर बाइक पे। एम्बियंस मॉल के वहाँ मैंने, मेरा कैमरा ऑन था और गलती से मेरे से बंद हो गया। और यहाँ से अब जब बाइकर्स निकले तो मैंने फ़ोन निकाला हुआ है, कैमरा ऑन है, वीडियो ऑन ही नहीं करी। और सेकंड टाइम हो गया ये। चलो एनी हाउ मिट्टी भाव, अब चलते हैं, भाई करेंगे लीड। मज़े बहुत हैं सुबह सुबह राइड के, कोई ट्रैफिक नहीं। ट्रैफिक है, ट्रक वगैरह हैं, बट सिर्फ हाईवे पे, अंदर कुछ नहीं था। अब आएगा नज़ारा, मंदिर कितना कॉर्नर में बना और बढ़िया लग रहा है एकदम। कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर्स अहेड। ये देखो गाड़ी कैसे पलटी हुई है, ऐसे पीछे ट्रक भी था। बूसा इज हियर गाइस। भाई यहाँ का एम्बियंस कितना प्यारा है, बढ़िया लग रहा है। और ब्रेकफास्ट हमने मंगा लिया, आलू पराठा, और साथ में हमारी चाय आ रही है। तो पंचगांव हम पहुँच गए हैं, बस यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारी ये ब्रेकफास्ट राइड हो गई है, ब्रेकफास्ट करते हैं बढ़िया और यहाँ से निकलते हैं। भाई इतनी सारी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, और साउंड चेक करो, कानों को सुकून मिल रहा है। भाई यहाँ पे जो नज़ारा है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल। सुपर बाइक छोड़ो, यहाँ पे सुपर कार्स भी हैं, और सब वीडियो में देख चुके हो, यहाँ आकर भी देखोगे, बहुत मज़ा आ रहा है। पंच गांव। चलो भाई पंच गांव को फाइनली बाय बाय करने का टाइम है, यहां से अब निकलेंगे। भाई जो मजा आया ना यहाँ पे, एक नंबर, एक नंबर। भाई हमारे तैयार हो रहे हैं, हम तैयार हो चुके हैं। ये देखो कितनी प्यारी बाइक लग रही है, नज़ारे। ये है मेरे हिसाब से बेनली, आई थिंक ZX10R। चलो भाई चलो, भाई ये पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, चेक आउट। ये भाई ये पोलो देख लो कितनी बढ़िया मॉडिफाई की हुई है, तीन पोलो खड़ी हैं, तीन कलर। ये देखो बाय बाय पंच गांव, नेक्स्ट टाइम तक। ब्रेकफास्ट करा, आलू के परांठे खाए, साथ में पी चाय। ओए होए होए होए, मज़ा आ गया सुबह सुबह ना। यही है यू टर्न। भाई ये यू टर्न है, बहुत देख के क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत तेज़ आ रहा ट्रैफिक, एकदम ही खींचनी पड़ेगी। चलो जी चलो 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 चलो।
भाई को मैंने इशारा कर दिया कि आगे आ जाओ। सामने का व्यू चेक करो, अमेजिंग। बादल आ गए हैं, बारिश आने से पहले बस हम घर पहुंच जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। देख लो वहाँ कैसी पक्की बनी हुई है, इधर को थोड़ी सी कच्ची है, आधी बना के छोड़ दी है। अब इस पर जब भी चढ़ेगा कोई स्लिप करेगा स्पीड में। भाई आज है असली राइड का मज़ा, इसको कहते हैं राइड। गूगल बाबा ने हमें डाल दिया गलत रास्ते। अब हमारे को 1.5 किलोमीटर आगे से फिर घुमा के ये उसी हाईवे पे ले आएगा, जो हमारे को 600 मीटर एक्स्ट्रा पड़ना था, अब हमें 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, पहले नहीं आया। और बिल्डिंग्स देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, और कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो रोड समझ नहीं आ रहा क्यों बंद की हुई है, वन साइड गया हुआ है, ट्रक भी यहीं, गाड़ी भी यहीं, बाइक भी यहीं। चलो जी ऑफ रोड पैच आ गया, हाँ बीचों बीच जाएंगे। सैडलिंग का मज़ा, ये मजा है भाई। अब एडवेंचर बाइक ली है, कुछ तो एडवेंचर करेंगे ना। देखो ये कहीं राइड से आ रहे हैं, पूरा लगेज है इनके साथ। ऐसे तो देखो ना पूरे लगेज के साथ राइडर को बहुत अच्छा लगता है। अब हम भी जाएंगे बहुत जल्दी। ये भाई मेरे को कह रहे हैं कि माउंट आबू राइड करनी है आफ्टर 15 सितंबर। काफ़ी सारी बाइक्स आ रही हैं पीछे, ये तो एक हिमालयन नहीं थी, एक KTM थी। डोमिनार, चार डोमिनार, दो हिमालयन। भाई ऊपर बादल देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, और हम सुबह जिस रोड से गए थे उसी रोड पे आ गए हैं, मतलब धौला कुआं से अंदर आ चुके हम। तो भाई के साथ राइड मेरी बहुत अच्छी रही है, अब टाइम है बाय बाय करने का, तो भाई को बाय करते हैं टिल नेक्स्ट राइड। तो भाई नेक्स्ट राइड में मिलेंगे। कैसी रही राइड, कैसी रही मेरे साथ? बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट राइड में मिलेंगे। भाई को यहाँ से बाय कर दिया, भाई जाएंगे यहाँ से लेफ्ट, मैं जाऊँगा सीधा। ये कलर भी अच्छा लग रहा है हिमालयन का, मैंने देखी थी ब्लैक, बट ये कलर भी अच्छा है। चलो भाई, भाई यहाँ से लेफ्ट और मैं यहाँ से सीधा। झंडा देखो बढ़िया लग रहा है, मैं ऊपर से भी जा सकता था, बट मैं यहाँ से जा रहा हूँ राइट लेके, थोड़ा सा बस एक रेड लाइट मिलेगी। ऊपर जाते तो रेड लाइट ना मिलती, बस थोड़ा लंबा मिलता, इधर हमें एक रेड लाइट मिलेगी शायद। झंडा देखो
और हमने हमारा प्लान था कि हम साढ़े आठ मैक्सिमम घर वापस आ जाएंगे, बट टाइम देखो 11:30 होने वाले हैं। वहाँ पे वाइब ऐसी थी ना, निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी सारी बाइक्स कार्स, मतलब जो चीज़ अपने को पसंद है और चीज़ें वही हो तो वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। चलो जी हम पहुंच गए हैं घर। चलो जी